हमारे सर्कल लेवल और ब्लॉक लेवल तक के पदाधिकारियों की मीटिंग थी। इस मीटिंग में मुख्य रूप से जो पदाधिकारी है उन्हें बुलाया गया था और इस मीटिंग का एजेंडा संगठन का रिव्यू ही करना था और रिव्यू करके आगे की जो हमारी प्लानिंग है उसके बारे में डिस्कस करना था। मेरा ये मानना है कि हरियाणा की जनता ने सभी पार्टियों को बार बार मौका दिए, सभी पार्टियों को बराबर मौका मिला। अब जनता इन सभी पार्टियों से त्रस्त हो गई है, जनता बदलाव चाह रही है। जनता ने देखा कि कैसे पंजाब में अच्छे काम हो रहे हैं, जनता ने देखा कि दिल्ली में कैसे अच्छे काम हो रहे हैं, उन सब का प्रभाव हरियाणा की जनता पर है और जनता इस बार बदलाव के लिए वोट करेगी, आम आदमी पार्टी को वोट करेगी। और मेरा ये मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी का संगठन पूरी तरह तैयार है चुनाव के लिए। सर, हरियाणा में पार्टी किस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? आम आदमी पार्टी का मुद्दा बड़ा स्पष्ट है, किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महिला सम्मान का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है। आप देखो, किसानों की फसल की अगर मैं बात करूं तो ना तो यहाँ पर सारी खरीदी कर पा रही है सरकार, ना MSP पूरा दे पा रही है और जो खरीदी हो गई धान फसल उसको उठा तक नहीं पा रही है। आप देखोगे 2 दिन बारिश हुई, आधे से ज्यादा फसल सड़ रहे हैं, वहां पर किसानों की हालत इन्होंने खराब कर रखी है। बेरोजगारी में आप उठाकर देखोगे तो पूरे देश में नंबर वन हो रहा है हरियाणा, ऐसे तो नहीं था पहले, बेरोजगारी में नंबर वन बना दिया इन्होंने। हमारे महिलाओं हमारी बहनों के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बदतमीजी और अभद्र व्यवहार कर रहा है ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है, और यहाँ की सरकार समर्थन कर रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं, हम मुद्दों के आधार पर ही राजनीति करते हैं, यही हमारे मुद्दे हैं जो जनता का मुद्दा है। SYL का मुद्दा बार बार आता है, जब भी हरियाणा में आपका विचार आता है तो भाजपा हो या कांग्रेस SYL को, आप सही कह रहे हो, SYL का मुद्दा बार बार तभी आता है जब चुनाव होता है। ये पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ चुनाव के लिए लेकर आती है, इन पार्टियों को इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, इन पार्टियों को इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ इस पर राजनीति करनी है। वैसे तो मैटर सब जुडिस है, क्योंकि कोर्ट में मैटर चल रहा है, इस पे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपके माध्यम से मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर, पंजाब में दूसरी बात करते हैं यहाँ दूसरी बात करते हैं, आप भाजपा से पूछो उनका क्या स्टैंड है, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, उनका कोई स्टैंड नहीं है। हरियाणा में भाजपा की भी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, पंजाब में भी अकाली भाजपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में भी इनके सरकार रहे बार बार, इतने सालों तक अगर इनको कुछ हल निकालना होता तो निकाल दिया होता। मुद्दा मैं बताता हूँ हमारा क्या स्टैंड है, हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, पंजाब को भी पानी चाहिए, हरियाणा को भी पानी चाहिए, दो राज्यों का मुद्दा है। पानी देने की जिम्मेदारी किसकी है, पानी देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार कर क्या रही है, केंद्र सरकार को सिर्फ लड़ाना है, केंद्र सरकार को सिर्फ राजनीति करनी है, उनको मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि हम मुद्दे की राजनीति, असली मुद्दे की राजनीति करते हैं और मैटर सब जुडिस है, इसमें ज्यादा बात करना मेरे लिए भी और आपके लिए भी ज्यादा ठीक है। इस मुद्दे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत करते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा कि आपकी सरकार केंद्र में भी थी और पहले यहाँ पर भी थी और पहले पंजाब में भी थी, इससे पहले तक आप सो रहे थे क्या? चुनाव आते ही आपके पास, इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास अपने किए कर्म, इनके काम क्या है आप पूछो इनसे, भाई इतने साल से आपकी सरकार है आप बताओ क्या काम किए, इनके पास 9.5 साल से एक ऐसा काम नहीं है बताने को कि भाई क्या काम किया है। फिर अब करे क्या, अब करे कोई मुद्दा लेके आओ, कोई मुद्दा लेके आओ, राजनीति करनी है, गंदगी मत करो। जो मर्जी आप मायने निकालो, उनके प्रधानमंत्री उनके मुख्यमंत्री आपस में मिले, ये आपस में दिखावा करेंगे, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। मैं हरियाणा में हूँ, मुझे हरियाणा को पानी चाहिए, पंजाब कह रही है मुझे पानी चाहिए, दोनों को पानी दो आप लाओ, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। जब भी चुनाव होता है आ जाते हैं, इनको राजनीति करनी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि राजनीतिक मुद्दे को सही मुद्दे पर लाकर चुनाव पे लड़े। हरियाणा देखिए, कांग्रेस
पार्टी के प्रति किसी के प्रति नफरत नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स में बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, ड्रग्स का मुद्दा बहुत खतरनाक मुद्दा है, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, तो हम जो जुडिशियल प्रोसेस है कोर्ट में ऑलरेडी वो उनको लिखा हुआ है सारा, हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। इसी बात का प्रमाण है कि हम राजनीतिक मुद्दा बनाना ही नहीं चाहते, हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। रहा सवाल जो भाजपा कर रही है आम आदमी पार्टी के साथ, वो आप देखो, आपको आपको तय करना है। एक एक करके लीडर को अंदर करते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, आप सबके पास लिंक आता होगा, आप उस पर सुनो, सुप्रीम कोर्ट के जज बार बार इनसे पूछ रहे हैं, भाई इनके अपराध तो बताओ, इनके अपराध तो बताओ। अपराध बताने को इनके पास एक ढेले का कुछ नहीं है, जैसे तैसे करके अंदर रखने का है, बट कोई बात नहीं। केजरीवाल एक आइडिया है, आइडिया उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसका समय आ गया है। तो हरियाणा में केजरीवाल फार्मूला लागू होगा, पास हो पाएगा? बिल्कुल, केजरीवाल फार्मूला पूरे देश में लागू होगा। केजरीवाल जी का फार्मूला क्या है? केजरीवाल जी सभी को अपने बच्चे जैसा शिक्षा देना चाहते हैं, केजरीवाल जी अपने परिवार का जैसे स्वास्थ्य देते हैं वैसे देना चाहते हैं, किसानों को सम्मान देना चाहते हैं, महिलाओं अपनी बहन बेटियों को सम्मान देना, और ये कोई दे नहीं रहा है। ये हरियाणा का अधिकार है, हरियाणा इतनी प्रॉस्पेरस जमीन है, यहाँ पे इतने मेहनती लोग हैं, ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे 9 साल में और इतने सालों में आजादी के बाद से ये पीछे जाते जा रही है। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुड्डा साहब को ये पता है और ये लगता है कि वो सिर्फ एक ही समाज जाट समाज के लीडर बन के रह गए, बाकी के जितने भी समाज है हरियाणा में उनको मालूम है कि उनको कोई एक ढेले का वोट नहीं दे रहा है, उनको कोई कंसीडर ही नहीं करते। अब चुनाव आ गया है तो हुड्डा साहब को ये लग रहा है, यार मैंने तो जाट समाज का लीडर बन गया हूँ, बाकी समाज मुझे वोट नहीं दे रहा है, तो फलाने समाज ये समाज वो समाज एक्स वाई जेड ऐसे करके इनको वोट लेने के लिए, जब उनको डर लग रहा है ना हुड्डा साहब को कि वोट नहीं मिलेगा, तो आप खुद ही बताओ, खुद ही सोचो कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। भाई हुड्डा साहब को बताना चाहिए कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने क्या क्या काम किए, हुड्डा साहब को बताना चाहिए कि हरियाणा के लिए आपका विजन क्या है, आपके पुराने काम और आपके विजन ये देखकर जनता तय करेगी। लेकिन ये कर क्या रहे कि भाई मैं सीएम बन जाऊंगा, इस समाज को डिप्टी सीएम बना दूंगा, इस समाज को, हरियाणा में 30-35 समाज है, कितने बनाओगे 30-35 समाज को मुख्यमंत्री? तो ये सारा राजनीतिक ढकोसला है, जनता समझदार है, इस बार फंसेगी नहीं। चेहरा समय आने पर पार्टी तय करेगी, आज आज संगठन बनाने का समय, संगठन बना रहे, इतना विशाल जो संगठन बनेगा इसी में से कोई एक लीडर निकले। लगातार आम आदमी पार्टी की विकेट गिर रही है, पहले सतेंद्र गए, फिर सिसोदिया, उसके बाद संजय। हरियाणा में आप अरविंद केजरीवाल का चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं क्या? मेरा मतलब नंबर केजरीवाल का तो नहीं, बीजेपी की नजर में। अब ये तो आप बीजेपी से पूछो, फ्रॉड तरीके से वो उठा रहे हैं, वो किनको उठाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसका तो वही बता सकते हैं। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, एक चीज समझना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है और ईमानदार है, इसीलिए जेल में डाल रहे हैं। अगर बेईमान होते तो सेटिंग हो जाती, बाहर हो जाते, कोई जेल में रहता क्या एक भी दिन? आप बताओ भाई, जेल में है इसीलिए क्योंकि ईमानदार है। देखिए ये एक मुद्दा है जो एक दो स्टेट्स पे आया है, इस पे आपको बैठकर समझना पड़ेगा कि क्या करना है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। कोई भी ऐसा मुद्दा समाज को बांटने के हिसाब से या राजनीति करने के लिए जब सामने लाया जाएगा, तो मेरा मकसद है कि इसको राजनीति से अलग करके, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसे मुद्दे को देश के विकास को सामने रखकर ही करने चाहिए और राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर पिछले 20 साल में 10 साल कांग्रेस राज कर रही है, 10 साल भाजपा कर रही है, तो उन दोनों पार्टियों का मुकाबला आप कैसे करेंगे? उनका संगठन ऑलरेडी तैयार हुआ पड़ा है, वही संगठन कैसे करेंगे? वही संगठन तो दिल्ली में भी थी, वही संगठन गुजरात में थी, वही संगठन पंजाब में थी, इनका कहीं कोई संगठन नहीं है। कैसे चलता है मैं बताता हूँ इनकी राजनीति। हाँ भाई, 4 आदमी तेरे, 5 आदमी मेरे, 6 आदमी उनके, ऐसे इनका संगठन करता है। इनके कर्मठ काम करने वाले कार्यकर्ता नीचे तड़फ रहे हैं, काम करते करते ढह रहे हैं,
अंत पंत में किसी का रिश्तेदार, किसी का जान पहचान, उसी को टिकट मिलेगी, उसी को आगे करेंगे। इनका कोई संगठन नहीं है। और भाजपा कहती है कि इनके पन्ना प्रधान है, फलाना है, ढिमका। इनके पन्ना प्रधान सिर्फ पन्ना में है, पन्ना में कहीं और नहीं है। चुनौती देता हूं आप सबको भी, मैं इन्वाइट करता हूं, आप आओ, आप देखो आम आदमी पार्टी का संगठन। हर गांव में 21 मेंबरी कमेटी बन चुकी है आम आदमी पार्टी। सर, हरियाणा में होगा, हालांकि प्रदेश में भी होगा, विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में है, आप पार्टी क्या रणनीति देगी? अकेले लड़ेगी, गठबंधन में लड़ेगी, कैसे रणनीति देगी? इंडिया के साथ है क्या? बिल्कुल, इंडिया के गठबंधन के साथ ही है। राष्ट्रीय चुनाव के लिए, नेशनल लेवल के चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए ये गठबंधन हुआ है। इंडिया गठबंधन के साथ है। विधानसभा चुनाव सारी पार्टियां अलग लड़ रही है, अभी भी चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव अलग लड़ रहे हैं, उसमें स्पष्टता है। जो इंडिया गठबंधन हुआ है वो राष्ट्रीय चुनाव लोकसभा के लिए ही हुआ है। उसमें जो भी डिसाइड होगा, आपस में मिल बैठ कर जो डिसाइड होगा वो करेंगे। हरियाणा में क्या स्थिति रहेगी? हरियाणा में भी कोऑर्डिनेशन कमेटी है इंडिया गठबंधन की, वो बैठेगी और वो बैठ कर डिसाइड करेगी कि किसको कैसे क्या लड़ना है, उसका पालन करेंगे। थैंक यू।